हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE, एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश। स्वागत है आप इस चैनल पर ECLE के। और आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करेंगे और क्लास आपके लिए आई होप बहुत ही यूजफुल हो, ताकि आपके स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकें। और मैंने कई बार आपको बताया कि अगर आपको को इंग्लिश सीखनी है तो सेंटेंस की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी मेरी तरफ से पॉसिबल होगा, मैं आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूँगा। डैट्स वाई आई हैव ब्रॉट फॉर यू द न्यू वीडियो फॉर द सेशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट। आई हैव रिटन रॉन्ग पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की आज हम प्रैक्टिस करेंगे और यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। सो क्लास में आप बने रहें, ताकि आपके लिए कुछ मैं आपके नॉलेजेबल कुछ मैं आपको दे पाऊँ और कुछ आपकी मैं एक्सरसाइज करा पाऊँ, प्रैक्टिस करा पाऊँ सेंटेंस की। सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपको लगे कि यस इट इज़ द यूजफुल फॉर मी, सो चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में बताऊंगा वीडियो के अंत में कि आपको अगर नए हैं इस वीडियो पर तो आपको कैसे कैसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको इंग्लिश सीखनी है, कैसे आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा, मैं लास्ट में सजेस्ट करूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे, तुम किस कारण स्कूल में पढ़ोगे, क्या राधा दिल्ली में पढ़ने जाएगी, IPL दिल्ली कब IPL जीतेगी, वे कब घर आएंगे, आज बच्चे नहीं खेलेंगे, मैं अपना ज्ञान का उपयोग करूंगा, क्या तुम ताजमहल नहीं जाओगे, या वह किस तरफ से आएंगे। ओके, सेंटेंस बिल्कुल आसान है। उससे पहले कि मैं सेंटेंस को ये वाले सेंटेंस बनाऊँ, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करना है। 1-6 सेंटेंस जैसे कि हम बनाते हैं, वैसे ही मैं सेंटेंस को बनाना सीखना है। पहले तो हमें स्टार्टिंग में 1-6 सेंटेंस वाली प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारे जो उसकी प्रैक्टिस हो जाए और टंग पे आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस भी। सो आज की क्लास यूजफुल है आपके लिए। सो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, कोई भी सेंटेंस मैं ले सकता हूँ, जैसे क्या तुम किसके कारण दिल्ली जाओ दिल्ली में पढ़ोगे। तो पहले अगर हम एक से सेंटेंस बनाए, एक से समझ रहे ना, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटोगेटिव, इंटोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटोगेटिव नेगेटिव, 6 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। जो नए हैं आप भी देख लीजिए, और यदि आपने देख लीजिए ध्यान से, और आपको सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो आपकी जो क्लास प्रीवियस क्लास थी, जो फ्यूचर इंडेफिनिट की क्लास थी, मैंने आपको के लिए बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और बहुत अच्छे से मैंने बताया है आपके लिए, ताकि आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बना पाओ। ओके, सो तुम स्कूल में पढ़ोगे, क्या तुम स्कूल में पढ़ोगे, यही लिखाना, तुम स्कूल में पढ़ोगे। ओके, तो यू विल स्टडी इन स्कूल, तुम स्कूल में नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट स्टडी इन स्कूल, क्या तुम स्कूल में पढ़ोगे, विल यू स्टडी इन स्कूल, क्या तुम स्कूल में नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी इन स्कूल, तुम स्कूल में कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू स्टडी इन स्कूल, तुम स्कूल में कब नहीं पढ़ोगे, व्हेन विल यू नॉट स्टडी इन स्कूल। ऐसे हम 6 प्रकार के हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैंने बता दिया कि 1-6 सेंटेंस के मैं ऐसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैं बताऊंगा कि आप इन सेंटेंस को भी बना सकते हैं, तो एक्सरसाइज भी करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे भी, ताकि आपके लिए बोलने में कन्फ्यूज़न ना हो। पहले हम लिखेंगे, फिर हम उस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार से हम ट्रांसलेशन ही कर रहे हैं कि इस प्रकार सेंटेंस के हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, लेकिन साथ ही हम इसकी इसी क्लास में हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन प्लस प्रैक्टिस बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड इट विल हेल्प यू टू द स्पीकिंग इंग्लिश। एंड आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट है तुम किसके कारण स्कूल में पढ़ोगे। ओके, सो आपने देखा हो किसके कारण मैंने क्वेश्चन वर्ड में बताया किसके कारण, तो हम मैंने बताया था ड्यू टू होम विल यू स्टडी इन स्कूल। ओके, आसान है ना।
तुम किस कारण स्कूल में पढ़ोगे, ड्यू टू होम विल यू स्टडी इन स्कूल, तुम ऐसा आप सॉरी ऐसा प्रयास ऐसा ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज भी हो रही है साथ में और हमारे हम ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। क्या राधा इस दिल्ली पढ़ने जाएगी? ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, देखो आपने देखोगे पढ़ने की वाली वर्ब भी है और जाना भी वर्ब भी है, तो ये डबल वर्ब वाले सेंटेंस है जो अभी तक मैंने नहीं बताए हैं और जो मैं मतलब मैं भूल जाता हूँ बताना कि मैं डबल वर्ब वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, तो ध्यान से बना देखना इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। क्या राधा दिल्ली में पढ़ने जाएगी? क्या राधा, तो जो पहले वर्ब आए उसको हमें यूज़ करना है। ओके, जाने पहला काम क्या हो रहा है, जा रहे हैं, ठीक है। जब आपको चॉइस करना फर्स्ट वर्ब एंड सेकंड वर्ब, तो क्या राधा स्कूल में पढ़ने जाएगी? ओके, तो जब राधा स्कूल जब मतलब दिल्ली जाएगी तब तो वो पढ़ेगी राधा। ओके, तो जाने वाली वर्ब कौन सी है, फर्स्ट ये है गो, फर्स्ट वर्ब कौन सी है, गो, जाएगी, फिर क्या करेगी, पढ़ेगी। तो ऐसे ही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस वाले पेन से बनाते हैं। विल, ध्यान से देखना भैया, विल राधा गो दिल्ली, विल राधा गो दिल्ली स्टडी या फॉर स्टडी बोल सकते हैं पढ़ने के लिए। ओके, लेकिन लिखा नहीं है इसलिए नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्या राधा स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगी, ठीक है। तो विल राधा गो दिल्ली फॉर स्टडी, क्या राधा स्कूल में पढ़ने के लिए आएगी, ट्रांसलेशन कर सकते हैं हमेशा, कर सकते हैं बिल्कुल, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। थोड़े से ट्रिकी सेंटेंस भी बनाना जरूरी है और लाइफ से रिलेटेड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी दुनिया वाले हम सेंटेंस बना रहे हैं, ये हम डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। ओके, दिल्ली कब आईपीएल जीतेगी? आईपीएल खेल रहा था, दिल्ली हार गई, तो मैंने भी बना दिया दिल्ली कब आईपीएल जीतेगी। ओके, तो कब जीतेगी, तो कब की मीनिंग पता ही है ना, व्हेन विल दिल्ली बिन आईपीएल, दिल्ली डेयर डेविल्स है ना टीम का नाम। वे कब घर आएंगे, बिल्कुल साधारण सेंटेंस है, कब घर आएंगे, व्हेन विल दे कम होम या हाउस, बना सकते हैं। आज बच्चे नहीं खेलेंगे, इसको हम दो प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। कितने प्रकार से बना सकते हैं, दो प्रकार से बना सकते हैं, वैसे टुडे चिल्ड्रन विल नॉट प्ले या फिर चिल्ड्रन विल नॉट प्ले टुडे, तो हम दोनों प्रकार से बना सकते हैं, आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप है, देख लो, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले टुडे, या फिर ऐसा ही बना सकते हैं टुडे, ये अपना सेकंड टाइप है, ध्यान रखना, टुडे चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, बहुत आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं, ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं। क्लास में आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, क्लास को लास्ट तक देखना है, सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ओके, ये वाला सेंटेंस भी थोड़ा अच्छा वाला है, मैं अपना ज्ञान का उपयोग करूँगा, मैं अपना ज्ञान का उपयोग करूँगा या प्रयोग करूँगा, तो ध्यान देखो अपना ज्ञान का प्रयोग करूँगा, तो मैंने जो पोजीशन वाले सेंटेंस बताए थे, पोजीशन वाले मैंने नाउन सॉरी प्रोनाउन में पढ़ा था ना, पोजेसिव प्रोनाउन वाला, तो ये इसी में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन का भी इसमें उपयोग होगा। ओके, तो मैं अपने ज्ञान का प्रयोग करूँगा, तो आई के साथ क्या लगता है, शैल, आई शैल यूज, आई शैल यूज, आई शैल यूज ऑफ माय नॉलेज, आई शैल यूज ऑफ माय नॉलेज, आई शैल यूज ऑफ माय नॉलेज, मैं अपना ज्ञान का प्रयोग करूँगा, ध्यान से देखना माय नॉलेज, इसमें पोजीशन शो हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, जो मैंने क्या किसकी क्लास में बताया था, प्रोनाउन की क्लास में बताया था, वो आपका यहाँ रिपीट हो गया था, वो भी यूजफुल है आपके लिए। ओके, तुम ताजमहल नहीं जाओगे, क्या तुम मतलब क्या तुम ताजमहल देखने, लिख दो भैया देखने, अपन भूल गए थे, ठीक है, क्या तुम ताजमहल देखने नहीं जाओगे, तो इसमें भी ध्यान रखो डबल वर्ब है, कौन सी डबल वर्ब है, दो क्रिया है, देखना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है, वही उसी प्रकार बनेंगे कि जिस प्रकार ये बनाया था, तो क्या बनाएंगे, विल यू गो, विल यू गो टू
सी या विल यू गो डायरेक्ट लिख दो, विल यू गो, हाँ लिख दो, अच्छा विल यू गो टू सी ताजमहल, बना सकते हैं। और टू मैंने क्यों लगाया, लगा सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। विल यू गो टू सी ताजमहल, ओके, सो विल यू गो ताजमहल, विल यू गो सी ताजमहल, ऐसा भी हम बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, फिर वह किस तरफ से आएंगे, वह किस तरफ से आएंगे, किस तरफ की मीनिंग मैंने बताई थी ना, किस तरफ, किस तरफ, तो बनाएंगे फॉर टू वर्ड्स वेयर, टू वर्ड्स वेयर, टू वर्ड्स वेयर विल ही कम, टू वर्ड्स वेयर विल ही कम, वह किस तरफ से आएंगी, टू वर्ड्स वेयर विल ही कम। तो ये मैंने आपको ट्रांसलेशन भी कर दिया आपके लिए, और मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा, आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, बस आपको प्रैक्टिस वर्क करनी है जितना पॉसिबल हम, मैं आपको इस क्लास में, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें भी आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूँगा, आपको कैसे, सो मैं प्रयास करूँगा, मैं आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूँगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्लास थी, आपकी एक्सरसाइज कैसे स्पोकन वाली भी हो गई और लिखने वाली भी हो गई। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं, आप देख लीजिए हम इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम एक से एक की छह प्रकार से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक की छह सेंटेंस वाले मैंने आपको कई बार बताया है, तो वैसे हम प्रैक्टिस भी करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट, आप क्लास में नए हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि मैं इस आखिर में कर कर रहा हूं, मैं आखिर अंग्रेजी कैसे सिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखना, मैंने इस क्लास में, इस कोर्स में, इंट्रोडक्शन क्लास से मैंने आपको बताया है कि आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं, उसमें मेरी पूरी प्लानिंग है आपको अंग्रेजी सिखाने की। अगर वो प्लानिंग आप समझ जाओगे, अगर आप संतुष्ट हैं उस प्लानिंग से, आपको लग रहा है कि यस आई कैन लर्न इंग्लिश, अगर आप टेस्टिंग करोगे, तो मेरा अनुरोध है कि इस कोर्स को आप बिल्कुल पूरा देखना। जहाँ तक मैंने लगभग 25 से 30 वीडियो में शायद बना चुका हूँ मैं, तो आप देखना और इसका प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है, वीडियोस के माध्यम से कैसे प्रैक्टिस करना मैंने आपको बताया है, टेलीग्राम चैनल में सब कुछ है। ओके, तो जो भी इस क्लास में नए हैं और आपको लग रहा है कि यस दिस क्लास कैन बी यूजफुल फॉर मी, सो आप जाइए इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, फर्स्ट वाली क्लास है यूट्यूब चैनल की, जो मैंने ECLE की जो पहली क्लास जो मैंने अपलोड की थी, वो क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पर सर्च करना कि हाउ टू लर्न इंग्लिश बाय ECLE, आप अगर सर्च करोगे तो उसमें भी आपको क्लास आपकी आ जाएगी, वो वाली क्लास स्टार्टिंग से वो वाली क्लास आ जाएगी, प्लेलिस्ट आपकी पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। ओके, सब प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर देखना फर्स्ट क्लास कौन सी है, सो वहाँ लिखा है जीरो से हीरो, आप वहाँ से क्लास देखने का प्रयास करें, वहाँ से देखें और आपको लगे तो इस कोर्स में जुड़ जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1000% यू विल लर्न इंग्लिश, जैसा मैं बोल रहा हूँ अगर आप वैसा किया तो, और आपका कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा। मैं आपके लिए और भी मस्त मज़ेदार क्लास लेकर आने वाला हूँ, एक्टिविटी लेकर आया हूँ मैं, सजेशन करो एक्टिविटी की, कुछ नए स्टूडेंट भी आएंगे, मतलब नए स्टूडेंट जो मैं जिसको मैंने पढ़ा चुका है, अब मैं आपको बताऊँगा आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक्टिविटी भी लाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो कोर्स अपना सफ़र लंबा है, तो सफ़र का मज़ा लीजिए और चलते रहिए। आपको ये क्लास कैसे लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हाँ यदि आप सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को प्रेस करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, बेल आइकन उसको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं आपके लिए, जो यूज़फुल वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके और आप क्लास देख सकें। सो मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।